हेलो दोस्तों, आज मैं मॉनसून स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। ये गर्मा गर्म मुंगौड़ी की रेसिपी। इसे मूंग दाल से बनाया जाता है जो बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और इसे क्रिस्पी बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, और उन खास बातों का आप ख्याल रख कर बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा इसी तरह से क्रिस्पी बनेगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी तो बनते ही है, ऑयल फ्री भी बनेगी। ये देखिए, तो आइए देखिए इसे बनाने की रेसिपी। मुंगौड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मूंग की दाल को रात भर पानी में भिगो कर रख दिया था। अब सुबह हम इसे इस तरह से स्ट्रेनर में डाल देंगे और इसे कम से कम आधे घंटे के लिए हम इस तरह से डाल कर छोड़ देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो पूरी तरह से निकल जाना चाहिए। और ये देखिए, पानी अच्छे से निकल चुका है और मैं यहाँ पे अब 2 बड़े चम्मच के करीब दाल में निकाल कर अलग से कटोरी में रख रही हूँ, और बाकी दाल को हम मिक्सी के जार में डालकर हम इस तरह से इसे पीस लेंगे। अभी हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे जो हमें इसके साथ में पीसना है। तो यहाँ पर 4 से 5 लहसुन की कलियाँ हैं, 1 छोटी चम्मच धनिया के बीज हैं, और 1 लाल मिर्च और 1 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 छोटे चम्मच जीरा। अब हम इसे चला लेंगे मिक्सर में। तो हमें इसे हल्का हल्का सा रुक रुक कर चलाना है, बिल्कुल भी इसका चिकना पेस्ट नहीं तैयार करना है, हमें इसे कोर्सली ग्राइंड करना है। तो ये देखिए, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और बिल्कुल भी मैंने इसे एकदम चिकना नहीं पीसा है, देखिए, और एकदम गाढ़ा पेस्ट तैयार हुआ है और हमने इसे दरदरा ही पीसा है। अब जो हमने दाल निकाल कर रखा था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 मीडियम बड़े साइज़ के प्याज को बारीक काट कर इसमें ऐड कर रही हूँ, और 2 बड़े चम्मच के करीब यहाँ पे बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती है ये, और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च है, 1/2 छोटे चम्मच कसूरी मेथी है, 2 से 3 करी पत्ते को इस तरह से मैं यहाँ पे हाथों से तोड़कर डाल रही हूँ, और 1 छोटे चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें खाली मिक्स करना है, इसे फेंटना नहीं है क्योंकि हमें बैटर को पतला नहीं करना है। तो अब मैंने यहाँ पे ऑयल को एकदम गर्म कर लिया है, हमें इसे एकदम गर्म ऑयल में इस तरह से हाथों से पकौड़े के जैसे डालना है। छोटा छोटा ही डालना है, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं डालना है। तो इस तरह से पूरे ऑयल में जितना आ सके उतना हम यहाँ पे डाल देंगे। हमने अभी भरकर पूरी तरह से मुंगौड़ी डाला है इसमें ऑयल में, तो अभी ऑयल हमारा जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, इसलिए हम इसे अभी हाई हीट में फ्राई करेंगे। अभी हम इसे बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे जब तक ये एक साइड से क्रिस्पी ना हो जाए। तो ये देखिए, अब एक साइड से लाल दिखाई दे रही है, तो हम इसे पलट देंगे और हीट हम अगर ऑयल अगर एकदम गर्म हो चुका है तो हम हीट को मीडियम कर देंगे और मीडियम हीट में हम इसे फ्राई करेंगे। अब ये देखिए, हम इसे छोड़ देंगे इसी तरह से मीडियम हीट में, और धीरे धीरे करके हम इस तरह से हिलाएंगे इसे। जब दूसरी साइड से भी सीख जाएगी तब हम इसे हिलाएंगे इस तरह से। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा हो तो हीट को लो कर दें, और लो हीट में इसे धीरे धीरे सेकें, और फिर से हीट को हम मीडियम कर देंगे और फिर इसे सेकेंगे। इस तरह से हमें इसे सेकना है, तो जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हम इसे सेकेंगे, और फिर जब अच्छे से चारों ओर से सीख जाएगी अच्छे से गोल्डन, तब हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे। इसे क्रिस्पी बनाने के लिए प्याज पूरे बैटर में एक साथ ना मिक्स करें, थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर उसमें प्याज मिक्स कर करके बनाएं, क्योंकि प्याज मिलाकर अगर हम रख देंगे तो पानी पूरा छोड़ देगा, तो बैटर पतला हो जाएगा जिससे हमारा जो पूरा मुंगौड़ी है वो ऑयली बनेगा। अभी फिर से हमें हीट को एकदम हाई कर देना है और एकदम गर्म तेल में हम वापस मुंगौड़ी को डालेंगे। मुंगौड़ी को हमेशा एकदम गर्म तेल में डाला जाता है डालते वक्त, और थोड़ी देर के लिए इसे इसी तरह से गर्म ऑयल में हमें फ्राई करना होता है। फिर अगर ऑयल हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है तो हम इसे पलट कर मीडियम हीट में इस तरह से सेकते हैं। इसी तरह से ये दूसरे बैचेस की मुंगौड़ी भी हमें यहाँ पर फ्राई करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये भी कितने अच्छे से पूरी सीख चुकी है, तो इसे हम निकाल लेंगे।
ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगी, और गर्मा गर्म चाय के साथ इसे इसी तरह से बनाकर सर्व करें। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, इसका साउंड आप सुन सकते हैं। और ये मैं आपको एक तोड़कर बता रही हूँ, देखकर ही पता चल रहा है कि ऑयल फ्री बनी है कितनी। बस ऐसे ही आप भी बनाएं, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें।